الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون जो दावत फिक्र आपको दी जा रही है उसका वाहिद मंशा यही है कि सैर तकमील बशर में आप अपनी फिक्रो अक्ल अपने दीनो ईमान अपने ईमानो अकायद के एतबार से चूंकि मुनफरिद हैं इसलिए उस इनफरादियत को न सिर्फ बाकी रखें बल्कि अगर उसमें कुछ पैगाम है तो उसको आम करने की कोशिश करें ताकि दुनिया एक अंदाजा लगाए कि आपकी फिक्र में अनोखापन क्या है, कहां अजनबीयत वाकई हो रही है, कहां आप दुनिया को दावत फिक्र अमल दे रहे हैं। बिहम्दुल्लाह आज इस अपनी सातवीं तकरीर में हम इस्लामी नजरिया हयात के उस अहम बाब पर पहुंच रहे हैं कि जो मरकज फिक्र आलम इस्लाम है, जो इस्लाम का मबदा है, मावा है, मलजा है, जो इस्लाम की बुनियादी फिक्र है, मरकजी ख्याल है, न्यूक्लिय है, और वो है रिसालत। रिसालत पर इस्लामी नजरिया हयात की सारी किताबों में बहुत कुछ लिखा गया और बहुत खूब लिखा गया, खुसूसन जामे कराची की तरफ से जो किताब आई है बेउनवान रिसालत, उस पर बड़ी अच्छी और बसीत बहस की गई है। और सबसे बड़ी खुशी इस उम्र की है कि ये पहली किताब मेरी नजर से गुजरी जिसमें उन्होंने बिला किसी शर्त इस्तिस्ना के यह ऐलान किया है कि नबी का मासूम होना जरूरी है। बहुत दिनों के बाद एक कतई फैसला देखने में आया और काबिले मुबारकबाद हैं वो लिखने वाले जिन्होंने ये लिखा कि नबी का बहरहाल मासूम होना जरूरी है और नबी के अलावा हर शख्स पर हम गिरफ्त कर सकते हैं। हम इससे भी मुतमईन हो गए,
हम इससे भी मुतमईन हो गए कि नबी के अलावा कोई ऐसी हस्ती नहीं है कि जिस पे हम गिरफ्त ना करें। यही फिक्र थी इमाम आजम हजरत अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की कि वो फरमाते थे मा जा अनिर रसूल फअला रास वलाइन, जो रसूल से आ जाए वो हमारे सर पे हमारी आंखों पे। मा जा अनिर रसूल फअला रास वलाइन, जो रसूल से हमको खबर आए वो सर आंखों पर। वो मा जा अन असहाब ही फजाहमना, और जो चीज उनके असहाब से आएगी हम मुजाहमत करेंगे, हम मुजाहमत करेंगे। तो जब इनसे ये पूछा गया इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह से कि आप मुजाहमत क्यों करेंगे, तो इरशाद फरमाया मुज्तहिद वो भी हैं, मुज्तहिद हम भी हैं, वो भी मुज्तहिद हैं, हम भी मुज्तहिद हैं। ये फिक्र इमाम आजम की भी लायक सितायश है। और इस किताब में जहाँ रिसालत पर गुफ्तगू हुई, कतई तौर पर यह फैसला कि नबी का मासूम होना नहायत ज़रूरी है, ये हमारे लिए एक बहुत बहुत बड़ी तस्कीन खातिर का बाइस है कि कम से कम एक मसले में तो अब मुत्तहिद हो रही है दुनिया, एक मसले में तो मुत्तहिद हो रही है दुनिया। बुनियादी मसला ये है कि नबी ने जो कुछ भी किया है कमाल इस्मत पर किया, इम्कान खता नहीं है। जो भी अमल किया नबी ने उस पर नुकता चीनी हो नहीं सकती, हर्फ गिरी नहीं हो सकती। जो कुछ भी किया है ताबे मर्जी रब होकर किया है, इसलिए कि इस्मत के माना ही है, इस्मत के माना ही ये हैं कि वो ताबे मर्जी मौला रहे हर हाल, और जो भी उसका अमल है वो ताबे मर्जी मौला हो। मगर बड़ा फर्क आ जाता है जमाना जैसे जैसे गुजरता जाता है और अफकार में आमेजिश होती है, अफकार जब मिलने जुलने लगते हैं और जब इत्तेहाद फिक्र पैदा होता है तो यकीनन इतना बड़ा फ़र्क आ जाता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि शाह वलीउल्लाह ने हुज्जतुल्लाहुल बालिगा में ख़त्मी मर्तबत के अहवाल पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि नबी इज्तिहाद नबुव्वत करते थे। एक नई इस्तेलाह उन्होंने वजह की थी कि उनका इज्तिहाद नबुव्वत का इज्तिहाद, और उस इज्तिहाद नबुव्वत में भी दो मरतबा गलती की। एक मरतबा गलती वो हो गई जबकि आपको यह ख्याल पैदा हुआ कि हिजरत का तो हुक्म आया मगर मुकाम तय नहीं हुआ, हिजरत का तो हुक्म आया मगर मकाम तय नहीं हुआ। नबी ये समझे कि शायद ताइफ की तरफ हिजरत होगी, इसलिए ताइफ चले गए, मगर चूंकि हिजरत को होना था मदीने की तरफ इसलिए ताइफ में बड़ी जहमतें उठाई। इसलिए सूरह हज में ये आयत आई कि आपसे पहले हमने किसी रसूल को नहीं भेजा मगर इनके शैतान उसकी तमन्नाओं में दाखिल हो गया। इस आयत पे हम आने वाली तकरीरों में गुफ्तगू करेंगे, मगर चूंकि यह बात दिलचस्प है इसलिए जहन में रहे कि इज्तिहाद नबुव्वत की निस्बत दी गई, इज्तिहाद नबुव्वत की निस्बत दी गई। शाह वलीउल्लाह ने हुज्जतुल्लाह बालिगा में यह लिखा। अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर ने यहां तक तरक्की की और अब यह कहा गया कि नहीं, ये इज्तिहाद नबुव्वत नहीं है। चुनाचे इसी किताब में जामे कराची की यह लिख दिया गया कि नबी मुज्तहिद नहीं है, नबी इज्तिहाद नहीं करता है, मुज्तहिद वो है जो उसके मानने वाले हैं। नबी मकाम रिसालत पर होता है, रिसालत और है इज्तिहाद और है। इज्तिहाद वो है जिसमें इम्कान खता है, रिसालत मासूम है। ये इस किताब में लिख दिया गया और वाकई हम मुतमईन हैं, जो हक है उसका ऐलान करना चाहिए। यह फिक्र बड़ी अच्छी है और जैसा कि मैं जानता हूँ ये हजरात लिखने वाले इनमें से खसूसियत के साथ मौलाना अबुल आला मौदूदी की कोशिशों को बड़ा सराहा जा सकता है कि उन्होंने बड़ी हद तक एक अपने मानने वालों में अपने चाहने वालों में इनकलाब फिक्र पैदा करने की कोशिश की है, अगरचे वो इस इनकलाब से मौरद इल्ज़ाम ठहरते जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी तब्दीली पैदा कर दी, बड़ा इनकलाब पैदा कर दिया।
कम से कम उन्हीं के बताए हुए उसूल पर उनके मानने वाले चलते और वो यकीनन अपने चाहने वालों को किसी मंजिल पर पहुंचाते। लेकिन हमने ये देखा कि वो अच्छी तरह से अपने आप को महव फिक्र पा रहे हैं और अपने चाहने वालों को दावत फिक्र दे रहे हैं, फिक्र जहां तक भी ले जाए, जहां तक भी ले जाए। हमारी हद तक न हमने अपनी असाबत राय का कभी दावा किया, न हमने कभी अपनी असाबत राय का दावा किया, न कभी हमने अपनी तजद्दुद फिक्र को पेश किया, न हमने कभी ये कहा कि ये फिक्र हमारी है, न हमने कभी किसी से क्रेडिट मांगा कि आप हमारी तारीफ कीजिए, हमारी सिताइश कीजिए, ये फिक्र हम पेश कर रहे हैं, इसलिए कि कोई फिक्र हमारी नहीं है, जो कुछ है वो आले मोहम्मद से हमने लिया है और दुनिया के काम से। हमने उस खजाने इल्म से लिया है, अगर इस्मत पे गुफ्तगू है तो वहीं से लिया है। अब यह और बात है कि दुनिया 1400 बरस के बाद अपने नजरियात में तब्दीली पैदा कर दे, यह और बात है, लेकिन रोज़े अव्वल से मासूम समझने वाले उनको रोज़े अव्वल ही से मासूम समझते हैं और ये कहते थे कि यह मासूम है, इनसे खता का इम्कान नहीं है, जो कह दे वो हुज्जत है, जो कह दे वो हुज्जत है, इसलिए उनकी बातों में कभी किसी मंजिल पर किसी को शुभा करने का हक नहीं है, किसी को शुभा करने का हक नहीं है, शक करने का हक नहीं है। तो ये कहना कि हिजरत मदीने की तरफ होनी थी, रसूल ने ख्याल किया कि शायद ताइफ को जाना है, बड़ी मुसीबतें उठाई और बाद में इरशाद भी हुआ कि तुमने जल्दी की इसलिए तुम जहमतों में मुब्तला हो गए। हिजरत पे याद आया कि मालूम नहीं क्या बात है, ये मौजू कुछ थोड़ा सा इंतशार फिक्र का बाइस रहा है मिल्लत में, ये हिजरत का मौजू कुछ इंतशार फिक्र का बाइस रहा है, और ऐसा मालूम होता है कि हर शख्स एक नए अंदाज में हिजरत पर गौर करता है। हिजरत के मुतालिक यही समझा जाता है कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क की तरफ रसूल गए, हिजरत के मुतालिक यही समझा जाता है कि एक जोग्राफी मकाम से दूसरे जोग्राफी मकाम तक गए, मगर ये नहीं समझा गया कि कुरान मजीद ने कहा कि हिजरत अल्लाह के रसूल की तरफ और अल्लाह की तरफ होती है, और हिजरत होनी चाहिए अल्लाह की तरफ और अल्लाह के रसूल की तरफ, यानी अगर रसूल हिजरत करे तो मर्जी मौला की तरफ हिजरत करे। अब मर्जी मौला जहां ले जाए, जिस मकाम पर ले जाए, यह समझना कि ताइफ को अपनी मर्जी से गए थे यह बड़ी गलती है, उसकी मर्जी थी कि पहले ताइफ जाओ, वापस आओ, फिर मदीना जाओ। यह आपने कैसे सोच लिया कि अपनी मर्जी से ताइफ गए और जहमतें उठा के आए, यह समझना बड़ा अहम है कि हिजरत का मकसद क्या है, हिजरत के माना क्या है, और फिर खुद रसूल जब हिजरत करे। इस सिलसिले में एक बात याद आई, रफ़ गलत फहमी का शायद ये बेहतरीन मौका है, फिर तकरीर में शायद मौका ना मिले। खालिद बिन हाल की किसी तकरीर में मुझे मुतवज्जह किया गया एक रिसाले की तरफ, जो शायद दो हफ्तगी है, दो हफ्ते में एक मरतबा शाया होता है, पख्तून इसका नाम है, रिसाले पख्तून। उसमें ये अल्फाज लिखे हुए थे कि पहली मुहर्रम को ईद मनानी चाहिए, खुशी करनी चाहिए, नया साल का नया दिन हमको उसी तरह से गुजारना चाहिए जैसे दुनिया की बेदार कौमें गुजारती हैं, और इसलिए भी गुजारना चाहिए कि पहली मुहर्रम को रसूल की हिजरत वाकई हुई है। अखबार में यह लिखा था कि पहली मुहर्रम को हिजरत वाकई हुई है, इसलिए हिजरत के ताल्लुक से कि रसूल मुसीबतों से निकले और राहत की मंजिल पर आए, हमको खुशी मनानी चाहिए। मैंने तारीख इस्लाम खोल कर और सबके सामने सफ़े का हवाला दे के मैंने पढ़ना शुरू किया, उसमें यह लिखा था तारीख इस्लाम में, जो इस वक्त यूनिवर्सिटी के गालिबन निसाब में भी है, कि रसूल ने हिजरत की है रबीउल अव्वल की चांद रात को, यानी पहली की सुबह रसूल मक्के से बाहर थे और मदीना तशरीफ लाए आठवीं रबीउल अव्वल की शाम को, नवी की सुबह मदीने में हुई। मैंने ये मारूजा किया था कि अगर आप हिजरत पर साले नौ का आगाज रखना चाहते हैं तो
तो रबी अव्वल की पहली से साल को शुरू कीजिए ईद मनाइए, या रबी अव्वल की नवी से साल को शुरू कीजिए ईद मनाइए, इसमें कौन सी बात है? गुफ्तगू खत्म हो गई, गुफ्तगू खत्म हो गई। परसों डेली न्यूज में किसी नामानिगार ने लेटर्स टू द एडिटर में ये लिख दिया कि फलां साहब ने ये तजवीज पेश कर दी है कि पहली रबी अव्वल को या नवी रबी अव्वल से साल शुरू किया जाए। ये कितनी गलत तजवीज़ है, ये कैसे हो सकता है? हम आवाम की राय मानते हैं। मैं परेशान हूँ इसलिए कि ये बुजुर्ग न मेरी तकरीर में मौजूद थे, न उसके सियाक से वाकिफ हैं, न सबाक से वाकिफ हैं कि मैंने क्यों कहा कि पहली रबीउल अव्वल से साल को शुरू किया जाए, मैंने क्यों कहा कि नवी रबीउल अव्वल से साल को शुरू किया जाए। लिखने वाले को तो तारीख़ इस्लाम पे उबूर होना चाहिए कि साल हिजरी की पहली तारीख को अगर हिजरत से ताल्लुक है तो वह मुहर्रम से बेमुताल्लुक गैर मुताल्लुक है, वो उस बेताल्लुक है वो तारीख। यानी अगर हिजरत पहली रबीउल अव्वल को भी है, पहली रबीउल अव्वल से शुरू कीजिए। और फिर आप ये भी सोचना पड़ेगा आपको कि हज़रत उमर के ज़माने में जब यह हिजरी साल आया तो महीना कब से शुरू होता था? रबीउल अव्वल से शुरू होता था साल या मुहर्रम से शुरू होता था? इस पर गौर कीजिए और उसके बाद अंदाज़ा कीजिए कि जो गुफ्तगू की जाती है वो किसी गिरी हुई सतह से नहीं की जाती है, ये बुलंद सतह से की जाती है। ये और बात है कि न समझने वाले उसको न समझ कर ताज्जुब करें और ये कहें ये कैसे हो सकता है, अब तक तो मुहर्रम से साल शुरू होता था। तो ये एक अजीब बात है, ये भी आप तहकीक करें कि मुहर्रम से साल क्या शिया हुकूमतों ने तो शुरू नहीं कर दिया? कहीं आले बुवैद की हुकूमत का तो हिजरी साल नहीं है कि उस जमाने में रबीउल अव्वल से शुरू होता था बाद में मुहर्रम से शुरू हो गया? तहकीक तो कीजिए, पहले सिर्फ खत लिख देने से कुछ नहीं होता है। बहरहाल मेरी तवज्जो को यहाँ मार्टिन रोड में कल या परसों किसी साहब ने मुनतिफ किया, मैंने कहा नहीं जवाब देने का तो मैं आदि नहीं हूँ, मगर मैं बतलाना चाहता हूँ कि किस तरह से इंसान सुबुक्सर होना चाहता है एक ज़रा सा एतराज़ करके कि साहब ये बड़े ताज्जुब का मकाम है कि रबीउल अव्वल का नाम क्यों आया, नवी रबीउल अव्वल का नाम क्यों आया? तो सुन लीजिए, पहली रबीउल अव्वल को रसूल ने हिजरत की है मक्के से और नवी रबीउल अव्वल को रसूल मदीना पहुँचे हैं, और यही वजह है कि करबला में रौज़ा हुसैन पर पहली रबीउल अव्वल को सुर्ख परचम आ जाता है, सुर्ख परचम पहली रबीउल अव्वल को आ जाता है, यानी वहां से आगाज किया है। अब यह एक इशारा है, इस पर आप सोचें गौर करें। जब किसी को किसी बात का इल्म न हो तो इंसान क्यों मबहस में आए, क्यों दखल दे? नजराना नहीं सूद है पीराने हरम का, नजराना नहीं सूद है पीराने हरम का, हर खरक़े सालूस के अंदर है महाजन। मीरास में आई है इन्हें मसनद इरशाद, जागों के तसर्रुफ में उकाबों के नशेमन, जागों के तसर्रुफ में उकाबों के नशेमन। बहरहाल अच्छा होता है कि मालूमात के बाद कोई एतराज किया जाए। दिल जिंदा और बेदार अगर हो तो बतदरीज बंदे को अता करते हैं चश्मे निगरा और। दिल जिंदा और बेदार अगर हो तो बतदरीज बंदे को अता करते हैं चश्मे निगरा और। परवाज है दोनों की इसी एक जहां में, करगस का जहां और है शाही का जहां और। परवाज है दोनों की इसी एक जहां में, करगस का जहां और है शाही का जहां और। इसलिए अफकार को समझने और पहचानने की कोशिश कीजिए, उसकी बुलंदी और पस्ती को देखिए। और अगर इस सिलसिले में इस फिक्र का आखिरी शेर भी सुनना चाहते हैं तो वो भी सुन लीजिए। अल्फाज और मानी में तफावत नहीं लेकिन मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा। रिसालत हमारा बुनियादी मसला है, हमारा मरकजी मसला है, हम
हमारा नियुक्त लिए है रिलीजियस थॉट का, और वो मरकज फिक्र है कि जहां से हमको आगे बढ़ना चाहिए। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि हमने तौहीद को बेतवस्सुत रिसालत पाया है, हमने इलाही तसव्वुरात को रिसालत के वास्ते से हासिल किया है, हम कयामत का अकीदा इसीलिए रखते हैं कि रसूल ने कहा है। रसूल वो मरकज है जो महसूस था, मालूम हुआ, माकूल हो गया। रसूल वो मरकज है कि जिसकी बशरियत ने दुनिया को हैरान कर दिया और बार बार यही कहा गया, बल अजबू अंजाहुम मुनज़िरुन मिनहुम फ़क़ौलल काफिरून हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब, ताज्जुब ये करते थे कि डराने वाला और उन्हीं में से आए, डराने वाला और उन्हीं में से आए, बशर हो और नबी बन जाए। मगर क्या मालूम कि नबुव्वत कोई इस्तेहकाक पर नहीं दी जाती, रिसालत किसी इस्तेदाद को देख कर नहीं देते, यही एक चीज है। यक्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, हमारी रहमत जिसको घेर लेती है हम उसको नबूवत देते, हम उसको रिसालत देते। तो बहरहाल यह मसला और बुलंद हो जाएगा, लेकिन यहां इतना अर्ज करूं कि रिसालत पर गुफ्तगू करते हुए उसके मसालेह पर नजर रखना, उसके मकसद को समझना, रसूलों की बेइज्जत के वजूहात को बतलाना, ये भी एक जरूरी काम है। लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं है, क्योंकि यह मसला इतनी मरतबा मजलिसों में बयान किया गया है कि हम ये समझते हैं कि हमारे सारे नौजवान इस मसले से वाकिफ हैं, बुजुर्गों का क्या कहना है। लेकिन जिन चीजों को जानने की जरूरत है वो ये है कि रिसालत खत्मी मर्तबत पर आकर उसमें कोई अनोखापन नहीं है। इससे पहले रसूल आए, इन्ना औहैना इलैक कमा औहैना इला नूह वन्नबियीन मिन बादही, हमने तेरी तरफ वही की उसी तरफ से जैसे कि हमने नूह की तरफ वही की थी, और नूह के बाद उनके बाद आने वाले अंबिया पर वही की थी। अब अंबिया के सारे अकसाम इस आयत में हैं, वही के सारे अकसाम हैं और अंबिया की सारी कैफियतें इस आयत में हैं। इन्ना औहैना इलैक कमा औहैना इला नूह वन्नबियीन मिन बादे व औहैना इला इब्राहीम व इस्माइल व इसहाक व याकूब वल असबात व ईसा व अय्यूब व यूनुस व हारून व सुलेमान व आतैना दाऊद ज़बूरा। अब इसमें तर्जमे की जरूरत नहीं है, सब नाम। रुसुलन कद कससनाहुम अलैक व रुसुलन लम नक़सुसहुम अलैक, कुछ रसूल हैं जिनका जिक्र हमने किया है, कुछ रसूल ऐसे हैं जिनकी बातें नहीं बतलाई गई। व कल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा, और मूसा मकाम तकल्लुम पर आए थे, अल्लाह ने उनसे बातें की। रुसुलन मुबशरीन व मुनज़रीन लअल्लाह यकून लिन्नास अलल्लाह हुज्जतुन बादर रुसुल व कान अल्लाह अज़ीज़न हकीमा, हमने डराने वाले भेजे, हमने बिशारत पहुंचाने वाले भेजे, सिर्फ इसलिए हमने रसूल भेजे कि कयामत के दिन इंसान अल्लाह के सामने हुज्जत न पेश कर सके कि कोई हादी नहीं आया था। لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور پھر وہ لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْهِ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ، اور خدا گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے تجھ پر نازل کیا اپنے علم سے نازل کیا، वो उसका इल्म है जो नाजिल हुआ। वल मलाइकतु यशहदून, और मलाइका यही गवाही दे रहे हैं। वो कफा बिल्लाह शहीदा, और खुदा बेहतरीन शहीद है, बेहतरीन गवाही देने वाला। ये पूरी एक गुफ्तगू है सूरह निसा में, और गालिबन ये उसकी 164वीं आयत है। हमने मुसलसल अब तक 4 आयतें पढ़ी थी कि हमने तेरी तरफ वही की, इन सब अंबिया की तरफ, और वही का मकसद ये था कि कयामत में इंसान हमारे सामने हुज्जत न करे,
कि हादी कहाँ थे। हर दौर में हमने हादी भेजे, और फिर जो कुछ तेरी तरफ नाजिल किया गया वो इल्म है। ये नहीं है कि कैफियत जज्ब की हो। इस इस्तिलाह को तो आप समझते हैं ना, ये चंद इस्तिलाहात अजीब गरीब है। ये जज्ब नहीं है। अम लम यारिफू रसूलहुम फहुम लहू मुनकिरून, अम यकूलून बिही जिन्नतुन, क्या अभी इन्होंने अपने रसूल को पहचाना नहीं, अभी मारिफत हासिल नहीं है। अम लम यारिफू रसूलहुम फहुम लहू मुनकिरून, क्या वो इनकार कर रहे हैं उसकी रिसालत का। अम यकूलून बिही जिन्नतुन, क्या ये कहते जाएंगे कि ये दीवाना है। तो उस जमाने में एक गुरोह था कुफारे कुरैश का जो ये कहता था ये तो दीवाना हो गया। बाद में एक गुरोह मानने वालों का वो आया जो ये कहता हुआ पाया गया कि मकाम जज्ब कमाल पर वही आई। रसूल एक जज्ब की कैफियत में आते थे, एक जज्ब की कैफियत में आते थे। फकत ये गुफ्तगू जज्ब की इसलिए हुई कि अपना सिलसिला दुरुस्त रहे। चंद मजजूब अपने सिलसिले को दुरुस्त रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रसूल के जज्ब पर गुफ्तगू की। आपको मालूम है कि जब अकल की गुफ्तगू की जाती है तो दुनिया इश्क की बातें करती है कि हमको अकल नहीं इश्क चाहिए। जब हम गुफ्तगू इल्म की करते हैं तो दुनिया कश्फ की बातें करती है कि हमको इल्म नहीं कश्फ चाहिए। और जब हम मारिफत की गुफ्तगू करते हैं दुनिया जज्ब की गुफ्तगू करती है कि हमको तो जज्ब चाहिए। तो अब ये हैरानी है कि ये अकल है उसकी जिद पर इश्क है, ये इल्म है उसकी जिद पर कश्फ है, कि एकाएक ये बात मुनकशिफ हो गई। इल्म की क्या जरूरत है, इल्म की क्या जरूरत है। तो मेरे भाई अगर इसी तरह से कष्ट हो जाया करता है तो फिर ये सारी बातें पढ़ाने की क्या जरूरत है। मुंतजरे कश्फ बैठे रहे, मुंतजरे कश्फ बैठे रहे। मिल्लत में तो है उस मोहम्मद अरबी की, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा, आंखें बंद कर ली, कष्ट हो गया, आपके बहुत से मसाइल तय हो गए। लेकिन ये अकल की दुनिया इसको तस्लीम नहीं करती, इल्म की दुनिया इसको तस्लीम नहीं करती। बिल्कुल जज्ब का आलम है। जज्ब का आलम यह है कि एक जुनून की कैफियत है, दीवानगी की कैफियत है, एक ऐसी कैफियत है कि जहाँ इंसान अपने आप को बेखुदी में पाता है और उस बेखुदी के आलम में चीखता चिल्लाता हुआ आगे बढ़ता है। आपने देखा होगा ना साहिबान जज्ब को, मुझे एतराज नहीं है, मुमकिन है वो अभी खुदा तक पहुँच रहे हों, मुझे एतराज नहीं है, मुमकिन है वो भी खुदा तक पहुंच रहे हो, मगर ये रास्ता हमको दिखाया नहीं गया, ये रास्ता हमको दिखाया नहीं गया। वहां बंदगी की राहों से जाना है, वहां मारिफत के रास्ते से आगे बढ़ना है। वहां हुक्म ये है कि हम लम यारिफू रसूलहुम, क्या तुमने अपने रसूल को नहीं पहचाना। तो अब रिसालत की जब मंजिल आई तो पहली गुफ्तगू यह है कि बताओ मारिफत कितनी है, हम इस सिलसिले से आगे बढ़ रहे हैं, रसूल की मारिफत कितनी। मैंने अर्ज किया ना कि मैं इस्लामी नजरिया हयात पर जो ये अहम किताब लिखी गई है जनाब खुर्शीद अहमद साहब की, इस मसले में बड़ा मुतमईन हूँ कि बहुत सैर हासिल तरीके पर बहस की गई है और बड़ी कामयाब बहस है। लेकिन जैसा कि बार बार कहा जाता है, सोचने के तरीके अलग हैं, अल्फाज कुछ अलग हैं, और फिक्र अगर एक नए तरीके से वहीं तक पहुंचना चाहती है तो उसको आप इख्तलाफ नजर ना समझें, इख्तलाफ नजर ना समझें। चुनाचे सोचने का एक तरीका यह भी होता है कि पहले मारिफत लाजिम है, रसूल की मारिफत लाजिम, और रसूल की मारिफत का एक ही रास्ता है, या खुद रसूल से पूछो या कुरान से पूछो, या खुद रसूल से पूछो या कुरान से पूछो। हम किसी की अकल को टटोलने के लिए यहां तैयार नहीं है कि आपका ताकुल क्या कहता है, आपका तफक्कुर क्या कहता है, आपका शऊर क्या कहता है, रसूल को कैसे होना चाहिए, रसूल के आने की इल्लत क्या है, अकल से पहले बतलाओ कि रसूल का मकाम क्या है। हम इन चीजों को मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि वही को कोई अकल से साबित ही नहीं कर सका कि वही अकल से आती कैसे है, फरिश्ता कैसे आता है। ये चीजें चूंकि अकल से बाहर है इसलिए कुरान क्या तारीफ करता है रसूल की। पहली मंजिल रसूल पर गुफ्तगू करते हुए कुरान ने कहा, देखिए किस कदर पहले मसले में हैरानी है। पहले ही मसले, ये सूरह जिन की आखिरी आयत है,
سورہ جن کلام مجید کا 72 سورہ ہے, آخری آیت. عالم الغیب, غیب کا عالم. فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول, غیب کا عالم کسی کو اپنے غیب سے آگاہ نہیں کرتا مگر ہی کہ جو رسولوں میں مرتضی ہو. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی من رسول, مگر ہی کہ جو رسولوں میں مرتضی ہو, اس کو علم غیب سے آگاہ کرتا ہے. ہم اس کے متعلق ابھی بحث نہیں کرنا چاہتے, مگر یہ کہ آیت یہ غیب کا عالم, پھر تکرار لا یظہر علی غیبہ, اپنے غیب پر آگاہ نہیں کرتا, غیب کا علم نہیں دیتا کسی کو مگر ان کے جس کو کہ رسولوں میں مرتضی کا. لیعلم, تاکہ یہ جان لے, ان قد ابلغوا رسالات ربہم, اس علم کے لیے کہ انہوں نے اپنے رب کی رسالتوں کو پہنچا دیا. احاط بما لدیہم, ہم نے رسول کے ماحول کو گھیر لیا, ہم نے رسول کا احاطہ کیا, رسول کو تنہا نہیں چھوڑا. وہ احصا کل شیئن عددا, اور رسول کے ہر عمل کو, ہر بیان کو, ہر تبلیغ کو, جو کچھ رسالت سے وابستہ ہے ہم نے سب کو احصا کر لیا. جس چیز کے متعلق ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ رسالت کا کام ہے ہم نے اس کو گھیر لیا. احاطہ بما لدیہم, ہم نے احاطہ کیا رسول کا. سورہ جن, یعنی رسول اپنے پیغام میں تنہا نہیں ہے, قوت الہی محیط ہے, گھیرے ہوئے, اور گھیری ہوئی قوت اسی لیے ہے کہ علم ہو جائے دنیا کو کہ رسالتوں کی تبلیغ یوں ہوتی ہے. لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربہم, انہوں نے اپنے رب کی رسالتوں کو یوں پہنچایا. دوسرا مقام, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والضحا, صبح گواہ ہے, واللیل اذا سجا, اور وہ رات جہاں اندھیرا چھا جائے. ما ودعک ربک وما قلا, تیرے رب نے کبھی تجھ کو تنہا نہیں چھوڑا, تیرے رب نے کبھی تجھ کو تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑا. اندھیرے اجالے سب گواہ ہیں. زہا اور لیل کی قسم کھائی ہے, نہ دن میں اکیلا رہا نہ رات میں اکیلا رہا, ہم تھے. تو آپ نے دیکھا ہم تھے ساتھ, تو نہ دن میں غفلت کا امکان ہے نہ رات میں غفلت کا امکان ہے. کوئی آن ایسی نہیں نظر آتی کہ جہاں نبی غافل ہو جائے. ما ودعک ربک وما قلا, تیرے رب نے کبھی تیرا ساتھ نہیں چھوڑا, تیرے رب نے تجھ کو اکیلا نہیں چھوڑا. یہ معرفت رسول. ایک اور مقام, سورہ یونس, ما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن وما تعملون من عمل الا کنا علیکم شہودا, تم کسی کام میں رہو, تم قرآن پڑھو یا کسی حال میں رہو, ہماری نگاہیں لگی ہوئی ہیں. ما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن وما تعملون من عمل, تم کسی عمل میں رہو, الا کنا علیکم شہودا, مگر یہ کہ ہم شاہد ہیں. تو آپ نے دیکھا ذرا سی بھی حرکت رسالت کی ایسی نہیں ہے جو نگاہ رب سے بچ جائے. یہ لفظ کو میرے غور کیجئے, نگاہ لفظ, نگاہ رب جہاں نہ ہو اور وہ حرکت ہو جائے, تو نگاہ رب کے کیا معنی ہے؟ ذرا اس پہ بھی غور کریں. حضرت نوح نے معروضہ کیا, پروردگار اب تو بلا آنی چاہیے, اب تو طوفان کا حکم ہو جائے. ارشاد ہوا, ہاں ہاں, واصنع الفلک بعیوننا, ہماری نگاہوں کے سامنے کشتی بناؤ. واصنع الفلک بعیوننا, ہماری نگاہوں کے سامنے کشتی بناؤ. یعنی مطلب یہ کہ اب وہ کشتی بنے گی
कि जहां हर हर नफस पर, हर हर तुम्हारी हरकत पर, वो उस सनअत के सिलसिले में हर कदम पर, उसके नशेब व फराज पर, उसके उतार चढ़ाव पर, उसकी लकड़ी पर, उसके तख्ते के कटने पर, तख्तों के जमा किए जाने पर, और फिर कश्ती मुकम्मल हो जाने पर, वक्त का इंतजार, और फिर कश्ती में कौन कौन बैठे, ये सब अब हमारी निगरानी होगी। वसनाए फुल्क बे आयुने ना, कश्ती बनाओ हमारी निगाहों के सामने। नूह नबी उल अज़्म साहिब शरीयत है, सफीना नूह निगाह महबूब के सामने तैयार हो रहा। और इस तरह आयुनेना बे आयुनेना, यानी हम निगरानी करेंगे, हम निगरानी करेंगे। और इसी तरह से हजरत मूसा के बचपन के मुताल्लिक में भी कुरान मजीद ने यह फरमाया, हमने अपनी निगाहों के सामने मूसा को रखा, हर हर गाम, हर हर नफस, हर हर कदम हमने निगरानी की। खत्मी मर्तबत के लिए यह इरशाद हो रहा है कि हर गाम पर हम देख रहे हैं, हम निगरानी कर रहे हैं। कुन्ना अलैकुम शहूदा, हम शाहिद। ये तीन आयतें। इसके बाद मारिफत रसूल के सिलसिले में एक और मंजिल, और वो ये क्या रसूल माजी ये है, वह तवक्कल अलल अजीज रहीम अल्लज़ी यराक हीन तकूम, सूरह कसस। वह तवक्कल अलल अजीज रहीम अल्लज़ी यराक हीन तकूम व तकल्लुबुक फिस्साजदीन, भरोसा कर गालिब रहीम पर जो तुझको देखता है जब तू खड़ा होता है, और तुझको देखता है जब तू बदल बदल कर सजदा करने वालों में आता है। तो देखना फकत इसी हद तक नहीं है कि क्या काम है, निगाह माजी पर भी है, किस सुल्ब में था, किस रहम में आया। जब सजदा करने वालों में तू करवटें ले रहा था, हम देख रहे थे। वो तकल्लुब का फिस्सा जदीन, जब सजदा करने वालों में तू मुनकलिब हो रहा था, हम देख रहे थे। माजी पर नजर है, हाल पे नजर है, और फिर उसके बाद मुस्तकबल ये वल्ला सौफा योती का रब का फतरना, यहां तक तो हम देखते रहे, अब तू इस बात पर नजर रख कि हम इतना अता करेंगे कि तू राजी हो जाए। वल्ला सौफा योती का रब, ये सब कुरान मजीद की आयतें। वल्ला सौफा योती का रब का फतरना, इतना अता करेंगे कि तू राजी हो जाए, यानी अब तेरी मर्जी, अता हमारी तेरी मर्जी, देखना यह है कि कहां जाके राजी होता है। अब इस बंदे की अजमत का ख्याल किया आपने, कौनों मकान लेके राजी होता है, अर्ज़ो समा की हुकूमत लेके राजी होता है, आखिर किस बात पर राजी होता है मेरा बंदा, यह देखना। और जाहिर है कि इस आयत ने मोहर सब्त कर दी उन तमाम दिलों पर जो हकीकत में खत्मी मर्तबत को पहचानने का दावा करते हुए न पहचान सके थे। पैगंबर के लिए हुक्म हुआ कि इतना अता करेंगे, इतना करेंगे, अता करेंगे कि तू राजी हो जाए। वाला सौफा योती का रब का फतरदा, मकाम रिसाला। अब इस बुलंदी से, इस बुलंदी से कतनी मर्तबत को चुन लिया, पसंद किया शरीयत के लिए। मैं जरा सा आहिस्ता चल रहा हूं, मंजिल बहुत करीब, मंजिल बहुत करीब। इरशाद हुआ के शरीयत में वो शरा लकुम मिन दीन। अब साहिबान शरीयत कौन है, मैंने अंबिया के तो नाम लिए, सूरह निसा की आयत, वो ये है सूरह शूरा की आयत, 42वां सूरा है कुरान का। वो शरा लकुम मिन दीन मा वस्सा बिही नूहन, दीन में हमने शरीयतें बनाई, पहले नूह को दिया, तौसिया उसके लिए था,
وَمَا وَصَّلْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمَا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْهِ اور وہ وحی جو تیری طرف ہوئی وَمَا وَصَّلْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى موسیٰ صاحب شریعت ابراہیم صاحب شریعت موسیٰ صاحب شریعت عیسیٰ صاحب شریعت اور تو یہ انبیاء اولو العظم ہے یہ انبیاء اولو العظم ہے اور جب یہ انبیاء اولو العظم ہے تو اے حبیب اب یہ لازمہ تھا کہ کسی مقام پر یہ شریعت درجہ کمال پر پہنچتا اور اس کے بعد ہم یہ اعلان کر دیتے کہ کما بدانا اول خلق نعید جیسے آغاز ویسے انجام جیسے ابتدا کی اسی طرح سے عود کریں گے کما بدانا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اب یہ سورہ انبیاء اب یہ سورہ انبیاء چونکہ رسالت کا گفتگو طویل ہے اس لیے ان مقامات سے رک جانا پڑے گا آپ کو اب رحمت للعالمین بنا دیا عالمین کے لیے صرف مکے کے لیے نہیں ہے مدینہ کے لیے نہیں ہے عرب کے لیے نہیں ہے عجم کے لیے نہیں ہے عالمین کے لیے رحمت ہے ساجدین سے آیا ہے عالمین کے لیے رحمت ہے ایک پیغام کو لے کے چلا ہے اب جب عالمین کے لیے رحمت بن گیا تو اس کے معنی یہ کہ اب اس میں اور قیامت کے درمیان کوئی اور نہیں ہے کوئی اور نہیں ہے انا وساعتو کا ہاتھین میں اور قیامت ساتھ ساتھ ہیں تو اب بتلائیے یہ منزلت کیا ہوگی کتنی بڑی منزلت ہوگی کیا واقعی کفار قریش اس منزلت کو ختمی مرتبت کی پہچانتے تھے کیا واقعی مکے کے رہنے والے اور مدینے کے رہنے والے یہ جانتے تھے کہ قرآن نے یہ تعریف کی ہے ختمی مرتبت کی ذرا مشکل ہے یہ سمجھنا مشکل ہے گفتگو خاتمے پر فتح مکہ بڑا دن 12,000 تلواریں کھینچی ہوئی اور رسول جہاز شتر پر سر رکھے آپ دیدہ کچھ سوچ رہے ہیں لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ خوشی کی گھڑی ہے رونے کا کیا مقام ہے ارشاد فرمایا بہت دنوں کے بعد آ رہا ہوں مکے میں میرا گھر ہے میں نے کس حالت میں چھوڑا تھا آج کس حالت میں اللہ نے مجھے پہنچا دیا اس جلال کو ایک بلندی سے ابو سفیان دیکھ رہا تھا عباس ابن عبد المطلب نزدیک کھڑے تھے کہ عباس لقد سارا ملک ابن اخی کا عظیمہ تیرے بھتیجے کا ملک تو بہت بڑا ہو گیا تیرے بھتیجے کا ملک تو اب بہت عظیم ہو گیا عباس نے ہاتھ پر ہاتھ مار کے کہا ملک نہیں یہ نبوت ہے ایک جملے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے ملک نہیں نبوت ہے ابو سفیانی نگاہوں سے جب تک دنیا رسول کو دیکھتی رہے گا ملک ہی نظر آئے گا ملک نظر آئے گا مدنی زندگی وہ شام وہ لشکر وہ فتوحات ملک نظر آئے گا رسالت نہیں ابو سفیان نے اعلان کیا قرآن عربی میں آیا تھا بعد میں ابو سفیان اسی دن مسلمان ہوا تھا مگر کیا واقعی صبح کے کافر شام کے مسلمان قرآن کو پڑھ کے یہ سمجھ جا سکتے ہیں کہ پیغمبر کا مقام کیا ہے صبح کے کافر شام کے مسلمان سمجھ جائیں گے رسول کو تو باتیں نہیں بدلتی وقت بدلتا ہے تاریخ اپنے آپ کو دہراتی جاتی ہے اب بھی وہی ملک کا تصور ہے
جہاں ہم علم پر گفتگو کریں گے تو فوراً یہ کہا جائے گا اسلام کا سیاسی نظام یہ ہے, اسلام کا سیاسی نظام یہ ہے, بندگان خدا اسلام اور سیاست. بہت عجیب گفتگو ہوگی جتنا آپ سوچیں گے. قرآن نے کسی مقام پر اس لفظ کو استعمال کیا ہے؟ پورے قرآن میں کہ اسلام کا یہ سیاسی نظام ہے؟ اسلام ایک نظام کل ہے, اس میں مکہ بھی ہے مدینہ بھی ہے, اس میں قبل ہجرت بھی ہے ما بعد ہجرت بھی ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ابو سفیان نے کہا کہ تیرے بھتیجے کا ملک بڑا عظیم ہو گیا. اور اس کے بعد جب دور آیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تو یہ ابو سفیان آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک بات ہم سے سنو, وہ یہ کہ اس گولے کو پاؤں سے, اس گیند کو پاؤں سے اپنے دور نہ کرو, یہ گیند ملک کی گیند ہے, یہ گیند دولت کی گیند ہے, اس واسطے بنی امیہ کو ساتھ لے کر اس گیند کو اسی طرح سے رولتے چلو, کسی اور کے قبضے میں نہ دینا. استیعاب نے اس واقعے کو لکھا, استیعاب اہم ترین کتاب ہے اسلام کہ یہ نصیحت کی. ظاہر ہے کہ وہ ایسے بزرگ تھے کہ اس نصیحت پہ کیا خیال کرتے, کیا فکر کرتے, انہوں نے توجہ بھی نہیں دی, انہوں نے کبھی اس کا خیال بھی نہیں کیا, مگر فکر وہی ہے, فکر یہی ہے کہ یہ ملک نکلنے نہ پائے, یہ ملک نکلنے نہ پائے. اور پھر اس کے بعد, پھر اس کے بعد اب تک رسالت نہیں ہے, ملک ہے, ملک ہے. مگر یہ جملہ ختم نہیں ہوا, استیعاب کو خدا کے لیے دیکھیے, ملت اسلامیہ کی اہم ترین کتاب ہے. اس نے کہا نصیحت اس لیے کرتا ہوں کہ یہ گیند کو اپنے پاؤں میں رکھو اور بنی امیہ کے حوالے کر دو, اس لیے کہ نہ قیامت ہے نہ آخرت. ابو سفیان مسلمان ہو کے بہت دن ہو گئے تھے, نہ قیامت ہے نہ آخرت. اب ابو سفیان کا پوتا آیا, اس نے کیا کہا؟ اس نے سر حسین کو دیکھ کے کہا لعب حاشم بالموج فلاؤ ملک ان جا ولاؤ وحد نزلو, بنی حاشم اور حاشم کی اولاد نبوت کا ڈھونگ رچا کر ملک حاصل کرنا چاہتی تھی, نہ فرشتہ آیا نہ وحی آئی, اسلام کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا. دادا نے رسالت کو ملک جانا, پوتے نے وحی کا اور ملک کا انکار کر دیا, مبدا ختم مات ختم. انہوں نے کہا آخرت نہیں ہے, انہوں نے کہا وحی نہیں ہے, نہ مبدا نہ مات. پھر پھر صرف یہ کہ ملک پر نظر, ملک پر نظر. تو میری باتوں پر توجہ دیجئے, رسالت ملک گیری کے لیے نہیں ہے, رسالت ملک گیری کے لیے نہیں ہے, رسالت فتوحات دنیاوی کے لیے نہیں ہے, رسالت عبد و معبود میں اس ربط کو استوار کرنے کے لیے ہے کہ جہاں آواز دے ادو الی عباد اللہ انی لکم رسول امین, اللہ کے بندوں کو ہمارے حوالے کر دو, ہم اللہ کی طرف لے جائیں, ہم رسول بھی ہیں امین بھی ہیں, یہ کام ہے رسالت کا. معاف کیجئے تھوڑی سی میں نے زحمت دی, اور میں نے یہ تقریر صرف اس لیے آہستہ آہستہ میں نے اس کو جاری رکھا کہ ذرا سا آپ حافظے پر زور دیں, بہت سی چیزوں کو یاد رکھنے کی کوشش کریں, خصوصاً اس کی کتاب کو استیعاب ابن عبد البر حالات ابو سفیان. پوتے نے کہا نہ وحی آئی نہ فرشتہ آیا, ایک ڈھونگ ہے, ایک ڈھونگ ہے, اور خلیفۃ المسلمین ہے, تخت اسلام پر ہے, خلیفۃ المسلمین ہے, امیر المومنین ہے, خطبے میں نماز میں نام لیا جا رہا ہے, نہ وحی آئی نہ فرشتہ آیا,
بنی ہاشم نے ایک ڈھونگ رچایا تھا رسالت کے نام سے, ملک مقصود تھا, ہم نے ملک چھین لیا. محمد کے نواسے نے وہ ملک واپس لینا چاہا, ہم نے وہ ملک ان کو نہیں دیا, ہم نے ملک چھین لیا. تُعطی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. اس آیت کی اس نے تلاوت کی, قل اللہم مالک الملک, کہ جس کو چاہے ملک دے دے. اس کی نگاہ میں بھی یہی تھا کہ یہ جغرافی حدود یہی ہے ملک, اور یہی ہے پیش نظر رسالت. گفتگو آج کی حد تک ختم ہوئی, لیکن بات یہ ہے کہ آیت کا مفاد تو یہ ہے جس سے چاہتا ہے ملک کو چھین لیتا ہے. اگر وہ ملک جو یزید کی نگاہوں میں ہے, جس کا دارالخلافہ شام ہے, اگر اس کو چھین کے یزید کے حوالے کیا گیا تو حسین کے پاس تھا کبھی شام کا ملک؟ چھینا کہاں سے؟ کیا حسین کے پاس کوئی شاہی تھی کہ جو اس نے آیت پڑھی جس سے چاہتا ہے مملکت کو چھین لیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے؟ تو حسین کے پاس شاہی تھی؟ مدینہ کی شاہی تھی؟ مکے کی شاہی تھی؟ تو پتا چلا کہ بادشاہوں کی باتیں ایسی ہی ہوتی ہیں. حکومت پر آ کر ایسی ہی باتیں سوچتی ہیں تاکہ عوام دھوکا کھا جائیں, اور پھر عوام کو دھوکا وہ اپنے لفظوں میں نہیں دینا چاہتا ہے, قرآن کے لفظوں میں دینا. قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے. اللہ اکبر, یہ زمانے کا انقلاب ہے کہ شام اور محمد کا گھرانہ. میں نے ابھی عرض کیا رسالت ملک نہیں ہے, مگر دنیا اس دھوکے میں تھی. تو یقیناً جو بھی نائب ہوگا محمد کا, جو محافظ ہوگا پیغام رسالت کا, وہ ان تغیرات کو برداشت نہیں کرے گا. جو ملک کے پیش نظر ہیں, مصلحت ملک کے اعتبار سے جس کو جائز قرار دیا ہے مگر دین جس کی اجازت نہیں دیتا, کہا کہ اچھا آپ اس نقشے ہی کو مٹا دو, اس نشان ہی کو مٹا دو. دسویں محرم کو وہ نشان بظاہر مٹا دیے گئے اور سیدانیاں شام کی طرف چلے, کوفہ, کوفے سے شام. میں کچھ سلسلے سے عرض کر رہا ہوں, مجھے پہنچنا ہے پہلی سفر کی رات تک شام. قیامت کے مظاہرے ہونے والے ہیں, عجیب تاریخ ہے. آج صبح کو بھی میں نے ماڈل کالونی میں یہ عجیب جملے بیان کیے تھے, آج بھی انہی جملوں کو عرض کر کے دعا کروں. جب کربلا سے یہ قافلہ چلا ہے تو اس قافلے میں اصحاب کی بیویاں ہیں, انصار کی بیویاں ہیں, بنی ہاشم کے ناموس ہیں, حضرت عباس کی بیوی ساتھ ہیں, امام حسن کی بیوہ ساتھ ہیں, علی کی اور بھی بیٹیاں ہیں سب. مگر قابل ذکر یہ گفتگو ہے کہ اس میں 40 بیویاں ایسی ہیں جن کی گودیوں میں دودھ پیتے بچے ہیں, 64 بیویاں اسیر ہیں, 40 بیویوں کی گودیوں میں شیرخوار بچے ہیں جو کربلا سے چلتے وقت تو پائے گئے, مگر جب 29 کی صبح کو قافلہ شام پہنچا تو وہ گودیاں خالی تھی. ابن زیاد کا حکم تھا کہ چلو
تیز لے جاؤ حاکم کی مرضی کو حاصل کرنا ہے تو دو منزلہ راہ طے کرو جلدی جاؤ جلدی جاؤ راستے خوفناک ہیں کہیں کوئی حملہ کر کے سر حسین نہ چھین دے راہب بھی ہیں نصرانی بھی ہیں یہودی بھی ہیں راستوں میں بڑی بڑی بستیاں آباد ہیں بچ کے چلو تیز چلا قافلہ بہت تیز چلا دو منزلہ راہیں طے ہوئی دو منزلہ راہیں طے ہوئی اور پھر یہ ہوا کہ 18 دن میں یا 17 دن میں یہ راستہ طے ہوا اور 12 کو نکلا ہوا قافلہ 29 محرم کی شام کو شام سے دور ایک مقام پہ اس کو ٹھہرا دیا گیا تو عالم یہ تھا کہ راستے میں جہاں ناقے تیز دوڑتے اور بچے ماؤں کی گود سے اچھل اچھل کے جب زمین پر گرتے تو انتہائی مایوسی کے عالم میں مائیں صرف اتنا کہہ سکتی یا علی میرا بچہ یا علی میرا بچہ کس طرح سے ان کی قبریں بنی کس نے ان کی قبریں بنائی کچھ نہیں معلوم مگر اندازہ یہ ضرور ہے کہ کنبے کی رونے والی زہرا ہر ایک کے ساتھ ماتم کرتی ہوئی جا رہی ہوگی ارے میرے بچے یوں ہلاک ہو رہے ہیں الہی و سیدی آہ رے شاہ کر